तो देखो, मीडियन में अब तक हमने न्यूमेरिकल मेथड पढ़ा, मतलब जो फॉर्मूला मैंने दिया था वो एक न्यूमेरिकल मेथड होता है, समझ रहे हो ना। लेकिन मीडियन को ग्राफिकल मेथड से भी निकाला जाता है, मीडियन को ग्राफिकल मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम करेंगे मीडियन का ग्राफिकल मेथड। तो देखो, ग्राफिकल मेथड ऐसी बात नहीं कि मैं कोई नई चीज बताने वाला हूं। ग्राफिकल मेथड के अंदर तुमने ये मेथड पहले भी कर रखा है और जरूर कर रखा है, बस ये कि तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें याद होगा लेस देन ओजाइव बनाना और मोर देन ओजाइव बनाना, ये हमने पिछले चैप्टर्स में सीख लिया है ना। लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव वाले टॉपिक हमने पिछले चैप्टर्स में सीखे हैं, है ना, स्टैट्स में ही। तो वो सब चीजें हमें पहले से ही आती है। तो जो ग्राफिकल मेथड होता है मीडियन का, वो इसी चीज पर काम करता है, लेस देन पर और मोर देन पर। अब क्वेश्चन ये है कि लेस देन और मोर देन से मीडियन कैसे निकलेगा। भाई वो कैसे निकलेगा वो तो मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा ना। तो हेडिंग डाल दो ग्राफिकल मेथड, लेस देन भी होता है और मोर देन भी होता है। क्वेश्चन अगर कहता है कि लेस देन मेथड से ध्यान से सुनो, क्वेश्चन अगर कहता है कि लेस देन से मीडियन निकालिए तो लेस देन से निकालना है, क्वेश्चन कहता है मोर देन से निकालिए तो मोर देन से निकालना है, और अगर क्वेश्चन कहता है दोनों से निकालिए। देखिए, तीन यहाँ पर टॉपिक है, बाय, लेस देन, किसकी हेल्प से, लेस देन की हेल्प से, बाय, मोर देन, किसकी हेल्प से, मोर देन की हेल्प से, बाय बोथ, लेस और मोर, सॉरी, बाय लेस एंड मोर देन अप्रोच, ठीक है, बाय लेस एंड मोर, है ना, मतलब लेस देन और मोर देन दोनों की हेल्प से। यानी कि ग्राफिकल मेथड में हमारे पास तीन मेथड हो गए, चाहे तुम लेस देन ओजाइव से बनाओ, चाहे मोर देन ओजाइव से बनाओ, चाहे लेस देन और मोर देन दोनों से एक साथ बनाओ, आंसर मीडियन का हमेशा कैसा आता है, सेम आता है। आंसर मीडियन का हमेशा कैसा आएगा, सही आएगा, अगर तुमने ठीक तरह से बनाया है तो ही आएगा। अगर बनाई गलत रहे हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले करेंगे लेस देन, और लेस देन ओजाइव का डाटा तुम्हें पहले से बनाना आता होगा, क्योंकि इससे पिछले चैप्टर्स में हमने करे हैं ना। देखो कितना आसान है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर बनाएंगे, है ना। पहले क्वेश्चन में लिखो मार्क्स दे रखे हैं हमें, क्या दे रखे हैं, मार्क्स, और मार्क्स दे रखे हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और 35 से 40, बस कितने हैं भाई, 4 और 4 8, है ना, 4 और 4 8, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 6 10 10, 4 6 10 10, 25 22, 25 22, 18 और 5, ठीक है। अब इसके नीचे ना इसका क्वेश्चन लिखना, मतलब क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, है ना। इस मैं कभी भी क्वेश्चन नहीं लिखवाता प्रैक्टिस कराते समय, लेकिन मैं इस वाले के अंदर क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पता होगा तो कैसे करोगे, है ना, इसलिए इस वाले का लिख लो। लिखो नीचे, ड्रॉ लेस देन ओजाइव, ड्रॉ लेस देन ओजाइव, क्या बनाना है हमें, लेस देन ओजाइव बनाना है, ड्रॉ लेस देन ओजाइव एंड कैलकुलेट मीडियन, एंड कैलकुलेट मीडियन, ड्रॉ लेस देन ओजाइव एंड कैलकुलेट
मीडियन, कैलकुलेट मीडियन, ठीक है। तो देखो पहले तो ओजाई बनाएंगे फिर मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तुम सोच रहे होंगे मीडियन कैलकुलेट क्यों करेंगे, दोबारा से ध्यान रखना मैं कैलकुलेट की बात कर रहा हूँ ना, ग्राफ से ही निकालना है। कैलकुलेट का मतलब यहाँ पर नहीं है कि वो न्यूमेरिकल वो फॉर्मूला लगा के निकालना है, नहीं, जो फॉर्मूला मैंने सिखाया था उन सब का इस्तेमाल नहीं करना। हम ग्राफ बनाएंगे और फिर देखना ग्राफ की हेल्प से कैसे मीडियन निकलता है। और कमाल की बात है कि अगर तुमने ग्राफ बिल्कुल सही और एक्यूरेट बनाया ना, तो तुम्हारा मीडियन भी चुटकियों में निकल जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। देखो लेस देन बनाना है और बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। ये तो था हमारा क्वेश्चन, अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो कैसे मैं यहां पर कर रहा हूँ सॉल्यूशन, तुम सोच रहे होंगे मैंने क्वेश्चन तो बोर्ड पे उतार ही रखा है। ध्यान रखना सॉल्यूशन में दोबारा काम करना है। बोर्ड पे देखो हमें ना क्या बनाना होता है, डाटा लेस देन वाला। दो तरह के डाटा होते हैं, एक होते हैं मोर देन और एक होते हैं लेस देन। अभी मैं मोर देन नहीं बता रहा, अभी मैं कौन सा बता रहा हूँ, लेस देन। अभी मैं कौन सा वाला डाटा बताऊंगा तुम्हें, लेस देन वाला। देखो अब जरा ये लिमिट दिख रही है तुम्हें, 0, 5, 10, 15, 20। ये इधर वाली लिमिट मालूम है ना कौन सी लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है, जल्दी बोलो। ये लोअर लिमिट मानी जाती है ना भाई, ये बात तो तुम्हें मालूम है। ये वाली जो लिमिट होती है ये हमारी लोअर लिमिट होती है। ध्यान रखना लेस देन में लोअर लिमिट का काम नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, लेस देन ओजाइव, या जब भी हम क्या बनाते हैं, लेस देन ओजाइव बनाते हैं, तो लेस देन ओजाइव में लोअर लिमिट की कोई जरूरत नहीं होती। जो भी काम होता है अपर लिमिट पर होता है। अब मुझे बताओ पहली अपर लिमिट क्या है, 5 ना, 5 को क्या लिखूंगा। देखो मार्क्स वही है लेकिन थोड़ा सा फर्क आएगा, देखना जरा मार्क्स कितने हैं भाई, 0 से 5, ठीक है। लेकिन लोअर लिमिट को भूल जाओ, 5 को देखो बोर्ड पे, अपर लिमिट क्या है 5, 5 को मैं लिखूंगा लेस देन 5, समझे। बोर्ड पे देखो 5 के बाद अगली वाली लिमिट क्या है, बोर्ड पे देखो 5 के बाद नीचे अगली वाली अपर लिमिट क्या है, 10। फिर से देखो लेस देन 10, समझ रही हो ना। देखो इधर अब 15 को क्या लिखोगे, लेस देन 15। 20 को क्या लिखोगे, लेस देन 20। 25 को क्या लिखोगे, लेस देन 25। 30 को क्या लिखोगे, लेस देन 30। 35 को क्या लिखोगे, लेस देन 35। और 40 को क्या लिखोगे, लेस देन 40। ये बात समझ में आ रही है ना। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है लोअर लिमिट की कोई जरूरत नहीं होती है जब भी लेस देन बनाया जाता है, हमेशा सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है, अपर की, है ना। अब देखो मैं बार बार नहीं लिख रहा लेस देन, बहुत मार्कर खर्च होता है। मैंने 5 10 उतार दिया है ना, अब मैं सिर्फ ये उतार रहा हूं, 15, 20, 25, 30, 35, 40, समझ रहे हो ना। मतलब मैंने बार बार लेस देन नहीं लिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी नहीं लिखोगे, तुम्हें तो लेस देन लिखना ही है, ठीक है। लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, इस तरह से, है ना, जरूर लिखना। अब हमेशा ध्यान रखना, देखो बोर्ड पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम्हें याद होगा मीडियन के अंदर मैंने क्या बनवाया था, CF। मीडियन के अंदर क्या बनवाया था, CF, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन में क्या चीज बनवाई थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन में भी बनानी पड़ती है और बिल्कुल वही तरीका है बनाने का। देखो मैं पहले तुम्हें यहां पर बनाकर दिखा दूं, फिर वहां पे कॉपी कर लेंगे, है ना। यहां पर बनाने में आसानी है। देखो 4 का 4 है ना, 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 10 जोड़े 20, 20 में 10 जोड़े 30, 30 में 25 जोड़े 55, 55 में 22 जोड़े 77, फिर 18 जोड़े तो तुम्हारा ये 85 और 95, और 5 जोड़े तो 100। CF बनाना आ गया ना, पहले से ही आता था, उधर कॉपी कर दो। देखो CF लिख दो, 4, 10, 20, 30, 55, 77,
9500। देखो पहले मैंने इधर बनाकर इसलिए दिखाया है, पहले मैंने इधर बनाकर इसलिए दिखाया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी साइड में लिखी हुई थी, आसानी से बन जाता है फ्रीक्वेंसी साइड में लिखी हुई होती है तो। नहीं तो तुम्हें तो सॉल्यूशन में सीधा सीएफ बनाना होता है, जब भी टेस्ट में या पेपर में करो तो तुम्हें डायरेक्टली क्या बनाना अपने आंसर में, सीएफ, एफ नहीं उतारना कभी भी। ये तो क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें बोर्ड पर उतार के दे दिया ना, कभी नहीं उतारना तुम्हें। अब इसको तुम कर सकते हो रब, और इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात समझ में आई? देखो पहले तो लेस देन का डाटा तैयार कर ले करो, फिर सीएफ। अब ओजाई बनाएंगे, लेस देन ओजाई। अब क्या बनाने वाले हैं? लेस देन ओजाई। और देखो कितना आसान है, तुम कहोगे भैया ये तो बहुत आसान निकला। देखो उधर स्पेस कम है इसलिए इधर बना रहा हूं। ये मालूम है तुम्हें एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। यहां पर दिखाए जाते हैं मार्क्स, एक्स एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट किए जाते हैं? मार्क्स दिखाए जाते हैं एक्स एक्सिस पर, हमेशा हम क्या दिखाते हैं? मार्क्स। एक्स एक्सिस पर क्या दिखाना पड़ता है भाई? मार्क्स। मुझे बताओ मार्क्स कहां से कहां तक है? 5 से लेकर 40 तक है ना, बना दो। देखो 5, और बढ़िया रहेगा कि गैप थोड़ा ध्यान से करो। अगर तुमने ध्यान रखो, अगर तुमने ग्राफ में गलती कर दी जरा सी भी, थोड़ी सी भी ऊपर नीचे अगर ग्राफ में क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, तो तुम्हारा मीडियन गलत आएगा। तुम्हारा मीडियन क्या आएगा? गलत आएगा, और जरूर आएगा गलत। देखो ये जो गैप लेता हूं ना, ये बराबर का ले करो। देखो 5 10, मैं तो फिर भी बोर्ड पर बनाता हूं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तुम लोग तो अपने रजिस्टर में पेन पेंसिल से स्केल वगैरह से प्रॉपर प्लॉट करके बनाते हो, तो बढ़िया और सही बनना चाहिए। तो मेरे पे तो बोर्ड में होता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। 15 20 25 30 35 40, है ना? यही तो मार्क्स थे भाई। 5 से लेकर हमारे कहां तक जा रहे थे मार्क्स? 40 तक हमने प्लॉट कर दिए। अब मुझे बताओ सीएफ, सीएफ 4 से शुरू हो रहा है, 100 पर खत्म हो रहा है। ध्यान से देखो, सीएफ की वैल्यू 4 से शुरू हो रही है और कितने पर खत्म हो रही है? 100 पर। अब जरा एक चीज का ध्यान रखो, 4 से लेकर 100 तक जाना है। 5 5 का गैप लेंगे तो 20 बनाने पड़ जाएंगे, है ना? 10 10 का गैप ले लो। गैप कितने का ले लो? 10 10 का। देखो पहला डाटा 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90, और लास्ट वन है 100। तो देखो बेशक अगर इधर का डाटा तुम्हें प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान रखना, बस मैंने काउंटिंग ही तो लिखी है ना? देखो वीडियो के अंदर दिख नहीं पा रहा है तो ये मत सोचना कि हमें केवल ये दिख रहा है, काउंटिंग ही तो लिखी है। देखो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है? तो काउंटिंग लिखी है, वो तो तुम बिना देखे कर सकते हो। अब देखो कितनी आसानी से प्लॉट करना है। अच्छा देखना, मैंने यहां पर क्या दिखाई है? सी एफ। एक्स एक्सिस पर क्या दिखाए थे? मार्क्स। देखो इधर बोर्ड पे एक्स एक्सिस पर मैंने मार्क्स दिखाए थे तो मैंने नीचे मार्क्स लिख रखे हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस पर तुमने क्या दिखाया? सी एफ। वाई एक्सिस पर क्या दिखाया है तुमने? सी एफ दिखाया है। तो यहां पर देखो तुम्हें वीडियो में दिखाई तो देगा नहीं, इसलिए मैं इस साइड, देखो ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा सी एफ। मैंने शॉर्ट में लिखा है सी एफ, तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना, तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पूरा लिखना है। और देखो लाइन के साइड नहीं लिखना, लाइन के इधर लिखना है, इधर मैं जान के नहीं लिख रहा, दिखाई देगा नहीं तुम्हें, ठीक है? समझ रहे हो ना? जैसे मार्क्स लिखे हैं ना वैसे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इधर लिखनी है। अब देखो कैसे प्लॉट करना है। अब देखो 5 पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है? 4। इधर देखो 5 पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है? 4। अब देखो जरा इधर 5 पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 4 है। तुम कहोगे भैया 10 और
जीरो से बीच में बहुत ही कम मिलेगा ना, यहां पर मिलेगा पहला पॉइंट। देखो पहले पॉइंट में दिक्कत हो रही है, बस पहला पॉइंट मिल गया। सिर्फ और सिर्फ किस में दिक्कत हो रही है? पहले पॉइंट में, क्योंकि चार है ना, चार थोड़ा छोटा पॉइंट है, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। पहला पॉइंट काफी नीचे मिला है, कोई बात नहीं, ज्वाइन कर देना अभी नहीं। देखो पहले अगला, देखो 10 पर CF कितना है? 10। 10 पर CF कितना है? 10 है। अब जरा इधर देखो, 10 पर 10 ये रहा है ना, अब ज्वाइन करते चलो, है ना, दो पॉइंट मिला दिए। अब देखो इधर बोर्ड पे, 15 पर CF कितना है? 20। 15 पर कितना बताया गया है? 20। आगे बढ़ते हैं, 15 पर 20 भाई, अब थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे तुम लोग तो स्केल की भी हेल्प ले सकते हो, अगर पता नहीं चल पा रहे हैं तो। पॉइंट देखो 20 पर कितना है बोर्ड पे? देखो 20 पर CF कितना है? 30। तो 20 पर 30 जाना है ऊपर। बस पहले पॉइंट में दिक्कत होती है, क्योंकि वो थोड़ा छोटा होता है, वरना इतनी कोई खास दिक्कत नहीं होती। अब देखो 25 पर 55, 25 पर 55 देखो बोर्ड पे, 55 लेना है। 60 और 50 के ठीक बीच में बनेगा ना 55 भाई, 60 और 50 के बीच में ही तो बनेगा 55। देखो कैसे, 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, बिल्कुल बीच में है ना। 50 के बाद क्या आएगा? 51, 52, 53, 54 और 55 है ना। तो 25 पे 55 मतलब 60 और 50 के ठीक बीच में। तो देखो मैं तो ले नहीं पाता, क्योंकि स्केल वगैरह मेरे पास होता नहीं है, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे से प्लॉट कर सकते हो इन पॉइंटों को, मैं तो सिर्फ अंदाजा ही लगाता हूँ। ठीक है, 30 पर 77, 30 पर कितना है? 77। अब देखो 77 बोर्ड पे देखो, 80 से 3 पॉइंट नीचे बनेगा ना, बताओ 77 लेना है, 80 से 3 पॉइंट नीचे ही तो आएगा, 80 से 3 पॉइंट कम है ना 77। तो देखो 30 पे 77 यहां पर आएगा लगभग। तो देखो अंदाजा है बस, और कुछ नहीं है। तुमने देखा होगा कि ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ध्यान रखना यही लेस देन की खासियत होती है। लेस देन की खासियत होती है कि हमेशा ग्राफ नीचे से कहां की तरफ जाता है? ऊपर की तरफ, हमेशा वो ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अब जरा अगला देखो, 35 पर 95, तो देखो 35 पर 95 100 और 90 के ठीक बीच में है ना। अब जरा लास्ट देखो, 40 पे 100 सबसे ऊपर, देखो ग्राफ तो बन गया, ऐसे ही बनता है ये, लेस देन होगी में हमेशा ग्राफ ऐसे ही बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ। ध्यान रखना नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सही है ना। देखो ग्राफ तो बन गया, ये लेस देन हो जाए, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार सिखाया है पिछले चैप्टर्स में, है ना, वहां पर हमने खूब सीखा है, लेस देन हो जाए बनाना खूब आता है। मुद्दे की बात है कि इससे मीडियन कैसे निकलेगा? देखो मीडियन निकालना बहुत आसान है, मीडियन निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। तुम कहोगे भैया ये तो हद ही हो गई मीडियन निकालने की, ये तो हद ही हो गई मीडियन निकालने की। तुम कहोगे भैया ये तो बहुत आसान था, न्यूमेरिकल वाले तरीके से भी ज्यादा आसान है, अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो भी इतनी जल्दी मीडियन नहीं निकलने वाला जितनी जल्दी ग्राफ से निकल जाता है। तो बच्चों को ना ये चीजें बहुत आसान लगती हैं, बच्चों को अक्सर इस मेथड से करना काफी पसंद होता है, और वो इस चीज को काफी पसंद भी करते हैं। देखो कितना आसान है मीडियन कैलकुलेट करना। मुझे बस इतना बताओ, CF के एंड में N की वैल्यू कितनी आ रही थी? 100 आ रही थी ना। मुझे बताओ CF के एंड में जो लाती है वैल्यू, वो N की वैल्यू ही तो होती है, और N की वैल्यू आ कितनी रही थी? 100। मुझे बताओ N/2 कितना आएगा? N/2 मतलब 100/2 कितना आ गया? 50।
मुझे बताओ सी एफ के एंड में जो वैल्यू आती है वो एन की वैल्यू होती है, और एन बाय टू करोगे 100/2 50, 50 आ गया ना। अब देखो, अब तुम्हें लेनी है स्केल की हेल्प। देखो ये जो 50 है ना, बोर्ड पे देखो इधर 2 मिनट के लिए बस, ये जो 50 है ये तुम्हें इधर ढूंढना है कहां पर मिलेगा। देखो मिला 50, जरूरी नहीं बिल्कुल पॉइंट पर मिले, कभी कभी कहीं पर भी आ जाता है। लेकिन क्या दिक्कत है, ग्राफ में बस देखना ही तो है, कोई कैलकुलेट थोड़ी ना करना है। इस 50 को मतलब जब भी तुम एन बाय टू को डिवाइड करते हो तो देखो तुम्हारी वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है 50, लेकिन ध्यान रखना 50 यही है, अपने ग्राफ में देखना 50 बना हुआ होगा। 50 देखो बोर्ड पे, 50 देखा, 50 पर स्केल से रख के ऐसे डॉटेड लाइन बना दो बिल्कुल सीधी। देखो मुझसे थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, क्योंकि भाई क्या करें स्केल वगैरह तो है नहीं, है ना, लेकिन तुम लोगों के पास तो प्रॉपर स्केल वगैरह होता है बहुत ही अच्छे से। क्या ये बात समझ में आई? देखो ध्यान से, पहले तो एन को टू से डिवाइड दे दो, पहले एन को टू से क्या दे दो, डिवाइड दे दो। डिवाइड देने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, जैसे 50 आई है, 50 को सी एफ के अंदर ढूंढो और उस पर स्केल से रख के एक डॉटेड लाइन बना दो। अब जरा इधर देखो, इस डॉटेड लाइन ने यहां पर कट कराया ना ग्राफ को, देखो बोर्ड पे इस डॉटेड लाइन ने ग्राफ को मतलब लेस देन ओजाई को कहां पर कट कराई, यहां पर। यहां से फिर एक डॉटेड लाइन बना दो नीचे की तरफ। देखो अब जरा मुझे बताओ, मेरी जो डॉट, देखो बोर्ड पे नोट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो पोस्ट करके तसल्ली से कर लेना, नोट करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। इस डॉटेड लाइन ने ऊपर से नीचे की तरफ जब आई तो 25 से पहले काटा है ना, मुझे बताओ 25 से पहले यहां पर काटा है, लगभग यहां पर कितनी वैल्यू रही होगी, 24 रही होगी ना लगभग। देखो कितनी कमाल की बात है, इस क्वेश्चन में अगर तुम फॉर्मूले से भी करोगे ना तो भी तुम्हारा मीडियन 24 ही निकलेगा। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो घर पर तसल्ली से बैठकर फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन में करके देखना, तब भी तुम्हारा 24 ही आएगा। ध्यान रखना ये लाइन नीचे जहां पर कट करती है ना जाकर, वही पॉइंट क्या कहलाता है, मीडियन। और ग्राफ के अंदर ही तुम्हें लिखना होता है छोटा सा मीडियन इक्वल टू 24। ग्राफ के अंदर ही तुम्हें छोटा सा क्या लिखना होता है, मीडियन इक्वल टू 24, और हमेशा ग्राफ से बिल्कुल सही आता है। ठीक है, तो देखो करना क्या है, एन बाय टू देखो और आगे जाके उसको प्लॉट कर दो बहुत ही आसानी से। अब इसको ड्रॉ कर लेना वीडियो पोस्ट करके, अगर नहीं कराए तो। तो ये था हमारा लेस देन, अब हम करेंगे मोर देन, स्टार्ट करते हैं। तो देखो फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से वही है, लेकिन मैं उसी क्वेश्चन के अंदर किसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, अब मोर देन की। क्यों नहीं कर सकते, क्या एक क्वेश्चन को दो तरह से नहीं कर सकते, क्या एक क्वेश्चन को तीन मेथड से नहीं कर सकते, क्या एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से नहीं कर सकते, किया जा सकता है। हम बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं, कौन रोकेगा हमें करने से, कर लेते हैं ना। तो फिर से मेरे पास मोर देन के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। लिखो देखो फिर से हमें क्लास इंटरवल दिए गए हैं, और क्लास इंटरवल दे रखे हैं मतलब कि मार्क्स, लिखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से लास्ट है 40। हाँ तो आज फ्रीक्वेंसी भी लिख देता हूं, 4 6 10 10, 25 22, 18 5, है ना। अब हम करेंगे मोर देन मेथड, मतलब कि कौन सा ओजाई बनाने वाले हैं मोर देन। और ध्यान रखना मेथड चाहे लेस देन हो, चाहे मोर देन हो, चाहे दोनों हो, मीडियन हमेशा सेम आता है।
मीडियन की वैल्यू हमेशा कैसी आती है, सेम आती है, चाहे लेस देन मेथड से करो, चाहे मोर देन मेथड से करो, चाहे दोनों के दोनों एक साथ करो, तब भी तुम्हारा हमेशा सेम आएगा। अब जरा गौर करो बोर्ड पे, मेथड अलग है तो कुछ तो फर्क होगा ना। बिल्कुल फर्क तो है, आंसर सेम आएगा, मीडियन सेम आएगा, लेकिन मेथड में फर्क है, मेथड में फर्क है, और फर्क होना भी चाहिए भाई। अगर फर्क ही नहीं होता तो दो दो मेथड बनाने का फायदा ही क्या होता है ना। ध्यान रखना मैंने क्या बोला था, लेस देन के अंदर ये क्या होती है, हमारी लोअर लिमिट, मोर देन के अंदर मैं किस पर फोकस करवा रहा हूं, इस पर। बताओ ये क्या होती है, हमारी अपर लिमिट। ये क्या होती है हमारी, बोलो, ये हमारी होती है अपर लिमिट्स, इनको हम क्या बोलते हैं भाई, अपर लिमिट। तो ध्यान रखना लेस देन में मैं कहता हूं लोअर की कोई वैल्यू नहीं है, लेस देन में लोअर की कोई भी वैल्यू नहीं है, मैं बोलूंगा मोर देन में अपर की कोई वैल्यू नहीं है। ये लो, मैंने तो हद ही कर दी, ये लो हटा ही दिया भाई। जब वैल्यू नहीं है तो इसका क्या अचार डालेंगे, नहीं अचार तो नहीं डालना भाई, क्वेश्चन करना। आप देखो अब अगर इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी अपर की तो देते क्यों भाई, देना तो पड़ता ही है, क्या करें। अब लिखो फिर से मार्क्स, तुम्हें मालूम है ना बिल्कुल वही काम करेंगे। अब मैं क्या बनवाऊंगा, मोर देन वाला बोर्ड पे देखो, पहले मैं लेस देन में इधर वाले पकड़ता था, मोर देन में इधर वाले बोर्ड पे देखो, पहला मोर देन क्या आएगा, जीरो, तो लिखो मोर देन जीरो है ना। बोर्ड पे देखो पांच है ना अगला, फिर से देखो मोर देन फाइव। क्या मैं बार बार लिखूं मार्कर खर्च करके, नहीं भाई क्यों मार्कर खर्च करें, तुम लोग दिमाग वाले हो, अब तुम्हें मालूम है मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधा लिखता चला जाऊंगा। बार बार मोर देन क्यों लिखूं, लेकिन बार बार मोर देन तुम्हें जरूर लिखना है, मार्क्स कट जाएंगे टेस्ट में भी और पेपर में भी, इसलिए इसलिए तुम्हारे लिए लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो मोर देन जीरो था ना, फाइव था, अब लिख दो टेन, ध्यान रखना क्या क्या है, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव, थर्टी, थर्टी फाइव, समझ रहे हो ना। देखो लास्ट में यहां पर देखना 35 तक जा रहा है बस। कुछ बच्चे क्या करते हैं 40 तक ले लेते हैं बुक के तरीके से, नहीं 40 तक लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 35 तक। ध्यान रखना हम लोअर लिमिट के लिए काम करते हैं बस, मोर देन के अंदर किसके लिए काम करते हैं, लोअर लिमिट के लिए बस, है ना। अब सी एफ बनाना है, अब तुम सोचोगे भैया सी एफ यहां पर बनाना है तो पहले वाला कॉपी कर देते हैं जैसे पहले बनाते थे, नहीं सी एफ में भी फर्क है। देखो एक तो डाटा को लिखने में फर्क है लेस देन और मोर देन को, है ना, और सी एफ में तो बहुत बड़ा फर्क है। बच्चों को लगता है यहां पर भी सी एफ वही वैसे ही बनाना है जैसे हमने लेस देन में बनाया था, नहीं, लेस देन के सी एफ में और मोर देन के सी एफ में बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फर्क। और एक बहुत छोटी टेक्निक है, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, बहुत ही कम टीचर बताएंगे शायद, जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया है। बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है लेकिन मैं एक ही तरीके से सिखाऊंगा, जैसे मैंने लेस देन में सिखाया था बिल्कुल वैसे ही मोर देन के अंदर सिखाने वाला हूँ, बस एक छोटा सा फर्क है। मुझे बताओ लेस देन में मैं ये करवाता था ना, ऊपर वाला फोर उतार दो, ऐड कर दो टेन, फिर ऐड कर दो ट्वेंटी, है ना, नहीं करना, मतलब करना तो यही है लेकिन कुछ हटकर जब यही काम करना है और हटकर करना है तो करना कैसे, देखो लेस देन वाले में हम सी एफ कहां से शुरू करते हैं, ऊपर से बनाना, यहां से करते हैं बोर्ड पे देखो, लेस देन वाले क्वेश्चंस में हम सी एफ बनाना कहां से शुरू करते हैं, ऊपर से, मोर देन वाले में सी एफ बनाना नीचे से शुरू करेंगे। सब कुछ सेम, सब कुछ, प्लस करने का तरीका, माइनस करने का तरीका, ऐड करने, सब कुछ सेम, लेकिन फर्क क्या है, सी एफ को ऊपर से नहीं नीचे से, ये बात ध्यान रखना, मोर देन में सी एफ नीचे से बनाना पड़ेगा तुम्हें, ना कि ऊपर से। अब देखो कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम तरीका, बोर्ड पे देखो मैं क्या कहता था, सेम उतारो ना, यहां पर भी वही बोलूंगा, देखो पांच उतार दो, क्या बोलता था, ऐड कर दो, है ना। अब देखो कैसे ऐड करना है, 18 में पांच ऐड करे 23, 23 में 22 ऐड करे 45, 45 में 25 ऐड करे 70, है ना भाई,
क्या नाम है तुम्हारा, 50, हाँ 70, और 10 ऐड करें 80, फिर 10 ऐड करें 90, फिर 6 ऐड करें 96, फिर 4 ऐड करें 100। समझ में आई बात? बच्चों को ये टेक्निक बताई नहीं जाती, बहुत ही कम बच्चे जान पाते हैं ये टेक्निक, क्योंकि ये टेक्निक किसी बुक के अंदर नहीं दे रखी, ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर बनाई गई है। बच्चों को सीएफ मोर देन वाले में ना अलग तरीके से बनवाया जाता, उनको बताया जाता माइनस करो। मैं माइनस का चक्कर नहीं करता, मैं कभी भी माइनस का चक्कर करता ही नहीं, मैं सीधा क्या बोलता हूँ, नीचे से शुरू करो। क्यों माइनस प्लस के चक्कर में पड़े? तरीका वही रखो, लेकिन ऊपर की बजाय नीचे से शुरू करो, है ना। तो देखो मैं इसी सीएफ को वहां पर प्लॉट कर रहा हूँ, तुम सोच रहे होंगे मैं दो दो बार सीएफ क्यों बनाता हूँ, इधर भी और उधर भी। ध्यान रखना, जब फ्रीक्वेंसी साइड में लिखी हुई होती है ना, तो सीएफ बनाना आसान हो जाता है, इसलिए पहले मैं इधर बना देता हूँ फिर उधर प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो देखो प्लॉट कर रहा हूं, क्या आया था भाई, 100, 96, 90, 80, 70, 45, 23 और लास्ट था 5, है ना। तो देखो कितनी आसानी से मैंने सीएफ बना दिया, सब कुछ वही तरीका था, लेकिन नीचे की बजाय मैंने सीएफ बनाने का काम कहां से शुरू करा, ऊपर से। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर मीडियन निकालेंगे। तो देखो मैं इतना रब कर रहा हूं, नहीं तो फिर वीडियो में पूरा ग्राफ आ नहीं पाता है ना। मैंने सिर्फ क्या छोड़े, डाटा मार्क्स छोड़े, है ना, समझ रहे हो ना। मैंने बोर्ड पर केवल क्या छोड़ दिए, मार्क्स, मैंने मोर देन वाली चीज गायब कर दी, है ना। क्या दिक्कत है, मोर देन से क्या करना वैसे भी। तो अब बनाते हैं ग्राफ, है ना, इधर थोड़ा स्पेस ज्यादा मिल गया। तो देखो इस बार मैं थोड़ा इधर से बनाऊंगा ताकि तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे। हाँ ना, अब शायद तो मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो में विजिबल होगा, ठीक है, इस बार बढ़िया दिखाई देगा ना। तुम्हें मालूम है यहां पर मैं क्या बनाता हूँ हमेशा, मार्क्स। एक्स एक्सिस पर क्या दिखाए जाते हैं, मार्क्स। देखो ऐसे कह रहा था, जो मैं पिछले क्वेश्चन में नहीं दिखा पाया, यहां पर बोल रहा था मैं कि यहां पर है ना लिख दिया करो क्यूमुलेटिव, ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से, है ना। देखो मैं रब कर देता हूँ क्योंकि काफी गंदा लिखा है और तिरछा में लिख भी नहीं पाया, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर तुम्हें लिखना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा मुझे बताओ, मार्क्स 0 से लेकर 35 तक जा रहे हैं, मार्क्स 0 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, 35 तक, बना लो, क्या दिक्कत है, बना नहीं सकते क्या। शुरू करते हैं, देखो 0 तो ये रहा ना, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तुम सोच रहे होगे 40 तक क्यों बनाया भाई, एक आध ज्यादा ले लोगे तो कौन सा कुछ नुकसान हो जाएगा क्या, एक आध ज्यादा लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ले लिया मैंने तो बस। सीएफ में बताओ भाई, देखो 100 तक जा रहा है, स्टार्ट 5 से हो रहा है, जा कहां तक रहा है भाई, 100 तक। देखो बढ़िया रहेगा कि अगर तुम 5-5 का गैप लेते हो तो भाई बहुत भारी पड़ेगा, 5-5 के गैप में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, 10-10 का गैप ले लो, क्योंकि अगर 5-5 का लोगे तो कितने बनाने पड़ जाएंगे, 20। 5-5 का गैप लेने के लिए तुम्हें 20 बनाने पड़ेंगे, 100 तक जाना है तो, है ना, इसलिए 10-10 का गैप ले लो जैसे अभी तक हमने करा था, है ना। तो लो भाई 10, इस बार तो प्रॉपर दिख रहा है ना, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, है ना। अब तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर, अब तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, बस आइडिया लेना है हमें कौन सा पूरा देखना है ना, चीजें तो समझ में आ ही रही हैं। ऊपर लिख देना वाई एक्सिस। अब देखो जरा बोर्ड पे 2 मिनट के लिए, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। देखो इधर 0 पर कितनी है सी एफ, 100। देखो इधर 0 पर कितनी है, 100 है ना, देखो इधर 0 ये है ना, 0, 0 पे 100 जाना है, 100 जाना है, 100 ये रहा सबसे ऊपर। ध्यान रखना मोर देन वाले की यही खासियत है, शुरुआत कहां से होती है, ऊपर से। मोर देन वाले ओजाइव के अंदर शुरुआत कहां से होती है, ऊपर से। अब जरा अगला देखो, 5 पर कितना लेना है, 96, 5 पर कितना लेना है,
96, तो देखो 5 पर 96, देखो ऊपर ही जा रहा हूं, मुझे बताओ 90 से ऊपर बनेगा ना 96, 100 से 4 नीचे, भाई 100 से 4 नीचे ही तो बनेगा, देखो अंदाजा चल रहा है बस, क्योंकि भाई मेरे पास प्रॉपर स्केल वगैरह ग्राफ वगैरह तो है नहीं जो मुझे अच्छे से पता चलेगा ना, लेकिन अंदाजा है बस। तुम लोग तो पेंसिल स्केल वगैरह से तरीके से बनाओगे तो बढ़िया बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इधर बोर्ड पे 10 पर कितना लेना है, 90, 10 पर 90, तो देखो 10 पर 90, 10 पर 90, ये रहा पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दो। अब देखो 15 पर 80, 15 पर कितना है भाई, 80 है, तो देखो 15 पर 80, 15 पर 80, ये रहा, है ना। तुमने एक चीज गौर करी, लेस देन हो जाए में ग्राफ बार बार कहां पे जा रहा था, ऊपर की तरफ, और देखो अभी हमने मोर देन के सिर्फ 4 ही प्लॉट करे हैं, और तुम्हें 4 से ही पता चल गया होगा ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, यही खासियत है, मोर देन में ग्राफ नीचे की तरफ आता है, लेस देन में ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, लेस देन में ग्राफ कहां पे जाता है, ऊपर की तरफ हमेशा, ठीक है। और प्लॉट करते हैं 20 पे 70, तो देखो 20 पे 70, 70 ये रहा भाई, देखो रफली ये बस, है ना, अंदाजा लगा रहे हैं। अगला देखते हैं 25 पर 45, 25 पर 45, देखो 50 और 40 के ठीक बीच में बनेगा, और 30 पर 23, 30 पर 23, तो देखो 20 से 3 पॉइंट ऊपर, हाँ देखो इधर 30 पे कितना लेना है, 23, 23 का मतलब क्या है, 20 से 3 पॉइंट ऊपर, इतना लगभग, और 35 पर 5, 35 पर लेना है भाई 5, 10 और 0 के ठीक बीच में, और एंड में ना मिला दिया करो इसे नीचे, है ना। तो तुमने गौर करा कि ग्राफ जो है ऊपर से कहां की तरफ आए, नीचे की तरफ। अब काम की चीज है मीडियन, काम की चीज क्या देखनी है भाई, मीडियन। मैं फिर से वही बोलूंगा, एन की वैल्यू बताओ, इस क्वेश्चन में भी एन की वैल्यू कितनी है, 100 है। तुम सोच रहे होंगे भैया 100 कैसे, लेस देन में मैं क्या बोलता हूं, सीएफ के नीचे वाला एन होता है, लेस देन के अंदर जो सी एफ हम बनाते हैं ना, सी एफ का लास्ट वाला क्या होता है, एन होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, लेकिन मोर देन में ऊपर वाला होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, और ऊपर क्या आया है, 100 आया है, हाँ कर दो इसका अपॉन में 2, क्या आएगा 50, बताओ 50 ढूंढते, देखो ये रहा 50, मैंने बताया था ना क्या करते हैं, 50 को ढूंढो सी एफ के अंदर और उस पर डॉटेड लाइन बना दो स्केल से, स्केल से क्या बनानी पड़ेगी भाई, डॉटेड लाइन, और जहां पर उस पॉइंट ने कट करा है ना डॉटेड लाइन ने, उसको नीचे मिलाओ। मुझे बताओ क्या 25 से 1 पॉइंट पहले फिर से 24 आया है, नहीं आया, मैंने बताया था मेथड अलग होता है, आंसर हमेशा कैसा होता है, सेम। तो देखो 25 से 1 पॉइंट पीछे हम आ गए, है ना, 25 से 1 पॉइंट पीछे आ गए, ग्राफ को कट करने पर हमें कितनी वैल्यू मिली, 24, यानी कि ग्राफिकल मेथड से हमें बहुत आसानी से मीडियन निकल आता है, बस क्या देर है ग्राफ बनाने की, अगर तुमने ग्राफ प्रॉपर तरीके से और सही बनाया है तो तुम्हारा चुटकियों में ये क्वेश्चन हो जाएगा।